खरगोन पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाते हुए खुलासा करते हुए पहाड़ सिंह पुरा के एक युवक को गिरफ्तार किया है, जिससे सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 7 सितंबर को आरोपी ने विठलदास महाजन के सर में पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। तकरीबन 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर थाना कोतवाली क्षेत्र में तकरीबन 15 अपराध दर्ज हैं। ऐसे में फुटेज के आधार पर जब आरोपी से पूछताछ की गई तो घटना का खुलासा हुआ। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रद्दी का सामान खरीदने की बात पर आरोपी पिंटू और विठल महाजन के बीच विवाद हुआ था। ऐसे में आक्रोशित पिंटू ने पत्थर मार कर विठल महाजन की हत्या कर दी, जबकि पुलिस आरोपी को कब्जे में लेकर मामले की पड़ताल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। जाने माने किताब प्रेमी, जिनको पुस्तक मित्र के नाम से भी जानते हैं, विठलदास महाजन जी, जो कि 75 वर्ष की उम्र के थे, इस वृद्धावस्था में उनका जो मृत्यु हुआ था, इनिशियली उसको स्वाभाविक मृत्यु या दुर्घटना से मृत्यु हम लोग मान रहे थे, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई तो हेड इंजरी और मेजर इंजरी थी। उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन की गई, उसमें आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी पहाड़ सिंह के पुरा का रहने वाला सावन है। इसका भी पैसे के लेन देन का विवाद था, जिसके कारण इसने पत्थर से चोट पहुंचा के हत्या की थी। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण और ब्लाइंड मर्डर का केस था और इसमें पुलिस के पास कोई क्लू नहीं थे, लेकिन चुनौती को स्वीकार करते हुए थाना प्रभारी कोतवाली मंडलोई और SDOP खरगोन, इनकी टीम ने लगातार काम किया और शहर में जितने CCTV कैमरे पुलिस के द्वारा स्थापित किए गए हैं और जो नागरिकों ने स्थापित किए हैं, कई सारे कैमरे का डाटा एनालाइज करने के बाद घटना स्थल के आसपास आरोपी की उपस्थिति देखी गई। उसके आधार पर जब चीज़ें कनेक्ट हुई तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया है। वो सामान्य से विवादित घटना हुई है। तो CCTV कैमरे अपराध को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही जरूरी हैं और आम नागरिकों को आगे आना चाहिए। जब हम बड़े बड़े हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।